हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुभा एंड आई वेलकम यू टू माय पैच ऑफ हेवन। फ्रेंड्स, आज मैं आपका वेलकम इन पिक्यूनिया के प्यारे प्यारे फ्लावर्स के साथ करती हूँ। अब देखिए, ये जैसे ही हमारे यहाँ यूपी में बारिशें बंद हुई हैं, उसके बाद में धूप निकली है, तो ये फूल कितने अच्छे से खिल रहे हैं और ये अप्रैल मई तक ऐसे ही खिलेंगे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब टेम्परेचर 30 के ऊपर जैसे जाने लगेगा, 35 तक पहुंचने लगेगा, तो हमें इन्हें बहुत तेज़ धूप से, आफ्टरनून की जो लाइट होती है उससे बचाना है। तो ऐसे घर पे रखना है हमें जहाँ पे सिर्फ सुबह की या सिर्फ शाम की ही धूप आए और आफ्टरनून की धूप ना आए। तो देखिए ये कैसे कितने सुंदर लगते हैं बालकनी में रखे हुए। और ये देखिए कुछ और फ्लावर्स हैं, ये गजानिया के फूल हैं जो कितने अलग अलग शेड्स में खिले हुए हैं। ये पेंसी रखे हैं, ये पिट्यूनिया और हैं, और मैंने ये अपनी विंडो में भी पिट्यूनिया ऐसे हैंग किए हुए हैं जिसमें अब फूल खिलने शुरू हुए हैं। पूरी सर्दियाँ निकल गई, अब फूल इनमें आने शुरू हुए हैं, लेकिन ये आएंगे मई जून तक। और ये देखिए पूरा ये फूलों से भरा हुआ है मेरा छोटा सा गार्डन। और मैं अब आपको कोलियस अपने दिखाती हूँ। मेरे पास डिफरेंट 13 टाइप के कोलियस हैं। तो देखिए सबसे बड़ा कोलियस मेरे पास जो है, ये देखिए कितना सुंदर रेड कलर का है, और ये एक 16 इंच के पॉट में रखा हुआ है, और इसकी रीति के नीचे कटिंग मैंने लगाई हुई है कोलियस की। तो ये कोलियस को आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, इसकी मिट्टी को कभी सूखने नहीं देना है, और इसकी मिट्टी में हमेशा थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए, तो ये कोलियस अच्छे चलते हैं। बहुत तेज़ धूप में इन्हें नहीं रखना है, और अगर ये बहुत लंबे होने लगे तो इन्हें आपको ऊपर से कट करते रहना है। कट करके नए प्लांट्स बना लीजिए, उसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है कोलियस की। और छोटे प्लांट जब छोटे हों तो उनमें ऊपर से ऐसे पिंचिंग करते रहना है, ऊपर से उनकी दो लीफ ऐसे हटा दी हमने तो ये नीचे से बुशी बनते रहते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। अगर बहुत लंबे लंबे होते जाते हैं तो वो नीचे से खाली हो जाती है, इनकी लीफ उतने प्यारे नहीं लगते। तो ये फर्स्ट कोलियस था, ये सेकेंड कोलियस है। देखिए कितना अच्छा वेरिएशन है इसकी लीफ में, येलो ग्रीन और मरून कलर का। ये दो प्लांट्स हैं मैंने एक साथ रखे हुए हैं। देखिए ये थर्ड टाइप का कोलियस है, ये भी मैंने कटिंग से लगाया है। इसका मदर प्लांट यहाँ पे रखा हुआ, ये देखिए ये इसका मदर प्लांट है। तो कटिंग से ये आपके पास एक प्लांट हो, आप उसकी कटिंग कर करके ढेरों बना सकते हैं। तो ये थर्ड टाइप का कोलियस है मेरे पास। ये फोर्थ है, इसकी लीफ कितनी प्यारी है, पिंक ब्राउन ग्रीन, इसमें डिफरेंट कलर हैं। और ये देखिए ये फिफ्थ हो गया, फिफ्थ टाइप का कोलियस, इसकी लीफ भी कितनी अच्छी वेरिएशन है। अभी छोटा सा है ये प्लांट मेरे पास, धीमे धीमे बड़ा हो जाएगा। ये सिक्स्थ है, ये देखिए इसकी लीफ, जब ये छोटा होता है तो इसकी लीफ में ऐसे कम ग्रीन होती, जैसे ये इसकी लीफ मैच्योर होती जाती हैं तो और डार्क ग्रीन इसके एजेस में आता जाता है। इसकी लीफ का शेप इतना अच्छा है, वेवी शेप है इसकी लीफ में। देखिए जी जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट लगती है वहाँ पे कलर ऐसे डार्क होते जाते हैं, कितना प्यारा कलर है। ये सेवेंथ कोलियस है, देखिए ये बिल्कुल गाजरी कलर का है, इसमें लीफ गाजरी बिल्कुल लाइट ग्रीन। ये एट्थ, देखिए इसकी लीफ में भी वेवी है इसकी लीफ भी, लेकिन कलर डिफरेंट है उस वाले से। तो ये एट्थ टाइप का कोलियस है। ये नाइन्थ, देखिए इसको मैंने पिंचिंग कर करके नीचे से कितना बुशी बना दिया है। ये नाइन्थ है, ये टेंथ हो गया, इसमें वेरिएशन, हर लीफ में एक अलग वेरिएशन है, इसकी वेरिएशन के पैटर्न कितनी अच्छी हैं। देखिए इसका मैंने कटिंग से ये प्लांट लगाया है इसकी, और कितनी जल्दी इसकी कटिंग इसकी लगती, सबसे जल्दी रूटिंग अगर किसी कटिंग में होती तो वो कोलियस है। ये 11th है, देखिए मैंने ये कटिंग्स, ये मदर प्लांट है, इसकी कटिंग से प्लांट, एक प्लांट था मेरे पास छोटा सा, मैंने तीन प्लांट्स बना लिए हैं। तो देखिए इसकी जो पुरानी लीफ है वो थोड़ी फेडेड हो गई हैं, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा ये फेडेड हो जाती हैं लीफ। आप देखिए इसमें जो नई लीफ निकल रही हैं उसमें कितने अच्छे कलर है। देखिए ये मैंने इसकी कटिंग करके, क्योंकि बहुत लंबा प्लांट हो रहा था तो मैंने इसकी कटिंग सारी एक पॉट में ऐसे लगा दी, और कुछ ही दिनों में जब इसमें नई पत्ती आने लगेगी तो मैं इसे बड़े से पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो ये 11th हो गया हमारा, ये देखिए नई लीफ कितनी सुंदर लग रही है इसकी। ये 12 नंबर का कोलियस है, कितनी सुंदर वेरिएशन है इसकी लीफ में भी, हर लीफ इतनी प्यारी लगती है, हर कोलियस की लीफ में एक अलग ब्यूटी है, बहुत सुंदर लीव्स हैं सारे कोलियस की।
मुझे तो ये सारे कुलियस बहुत अच्छे लगते हैं। आपके गार्डन में अगर फ्लावर्स नहीं हैं तो ये इतनी इनको लगा के इतना सुंदर लगेगा आपका गार्डन। अगर आपके गार्डन में कम धूप आती है और आपको कलर चाहिए अपने गार्डन में, तो आप कुलियस लगाइए। ये 30 नंबर का कुलियस था, मैंने आपको लास्ट में दिखाया अभी। तो ये इस तरह से मेरे पास ये 13 कुलियस मैंने कलेक्ट किए हैं, और इनको सर्दियों में थोड़ा सा बचाना पड़ता है क्योंकि ओस जब पाला गिरता है इनके ऊपर तो ये थोड़े से इनकी पत्तियाँ मुरझाई हुई सी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये कोलियस का कलेक्शन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। बाय बाय।